नमस्कार मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही तनातनी की तनातनी के बीच पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर हमला किया वहाँ साढ़े तीन सौ आतंकियों को मार गिराया उसके अगले दिन पाकिस्तान ने भारत में छः जगहों पर बमबारी की जिसका भारत ने जवाब दिया इस दौरान जो है भारत का एक मिग जो है मिसिंग हो गया उसका पायलट भी मिसिंग हो गया तो उसको लेकर के पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के दो मिग मार गिराए हैं और दोनों पायलट उसके कब्जे में हैं दिन भर पाकिस्तान इसको लेकर के झूठ बोलता रहा यहाँ तक कि जो उसके मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं उन्होंने ये दावा किया बार बार ये बोला ट्वीट किया इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब आए देश को अपने संबोधित कर रहे थे उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हिंदुस्तान के दो पायलट पाकिस्तान के कब्जे में हैं लेकिन जब शाम होते होते जब इसके पहले जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये बात बोली थी कि एक मेघ जो है मिसिंग है और एक पायलट मिसिंग है अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ पर हैं आ, ले, आ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठ बोलता आ, बोला जाता रहा शाम होते होते पाकिस्तान अपनी बात से पलटा इस बीच में उसने एक और गलती की थी कि जो एक पायलट उनके कब्जे में थे मिस्टर अभिनंदन उनका जो है उसने वीडियो और पिक जारी कर दिया जबकि जो नॉर्म्स हैं जो जिनेवा कन्वेंशनस हैं उसके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था इसको लेकर के भारत ने उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया नाराजगी जताई तब जाकर के वो वीडियो और पिक जो हटाया गए थे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से बहरहाल वो अलग मामला था और जो झूठ बोलने का मामला है वो अलग है कि भारत का एक ही पायलट उनके कब्जे में है तो शाम को फिर जो है वही मेजर जनरल आसिफ जो है गफूर उन्होंने ट्वीट करके ये क्लियरिफाई किया आप दे, देख सकते हैं पीक में कि नहीं भारत का एक ही पायलट हमारे कब्जे में तो ये है पाकिस्तान का झूठ पाकिस्तान फिर एक बार से बेनकाब हुआ है और वो शायद ये भी भूल जाता है कि वह जो आला हुक्मरान को ब्री कर रहे हैं जो उसके अधिकारी उसमें एहतियात बरतना चाहिए कि ऐसे मामलों में कितना संयमित होकर के कोई भी बयान जारी किया जाता है तो यह रहा अपडेट जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे आप ऐसी खबरों के लिए देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू